हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ लोधरा में, तो आपका पूरा व्यू दिखाऊंगा। लोधरा मेरा काम है, वहाँ पे उधर जा रहा हूँ मैं। तो अभी निकला हूँ घर से, मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, वहाँ तक जाते रास्ता भी दिखाऊंगा और वहाँ का अपना काम भी आपको दिखाऊंगा। अब मैं पहुंच गया हूँ रोड में बसंतगढ़ के लिए। ये हमारा रोड, तो अब मैं कर रहा हूँ जहाँ गाड़ी का वेट। तो जहाँ पहुंच गए हम लोग पनारा में, तो पनारा में जहाँ मेरा ट्रैक्टर रोड था, लेकिन कोई डिस्प्यूट होने की वजह से नहीं बन पा रहा है। तो जहाँ पर सरपंच भी आए हैं, पंच साहिबान भी आए हैं और भी काफ़ी सारे वहाँ के लोग इधर आए हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं लोधरा की साइड। तो हम पहुँच चुके हैं खनेड़ से, जे लोधरा के लिए पुल है, बहुत लंबा पुल है, कितना सुंदर पुल है। तो इसको क्रॉस कर चुका हूँ मैं। तो अब देखिए, जे कुत्ता रास्ते में है, ये रास्ता है ऊपर कदवा के लिए, तो मैं जा रहा हूँ कदवा में। तो ये छोटा सा बच्चा है डागी, जे मेरे काम के पास ही है, कितना सुंदर है। तो दोस्तों, मैं अपना काम का आपको व्यू नहीं दिखा सका क्योंकि मेरे भाई को लगी है थोड़ी सी, तो मैं इसके लिए जल्दी जल्दी वापस आना पड़ा कदवा से। तो अब मैं उधमपुर पहुंच गया हूं। तो अब मेरे भाई ठीक हैं, थोड़े से उनको प्रॉब्लम हुई थी, छत से लगे थे, वो लगी थी उनको। तो मैं अब उधमपुर आया हूँ उनके लिए, तो बहुत मायूस रहा मैं, आपको कुछ दिखा नहीं पाया, लेकिन अब मेरे भाई ठीक हो चुके हैं। तो मैंने सोचा लोगों से, अपने दोस्तों से बात शेयर कर लेते हैं, तो इसलिए मैं आपको अपना काम का या अपने इलाका का व्यू नहीं पूरा दिखा पाया, लेकिन अगली वीडियो में आपको पूरा व्यू वहाँ का दिखाऊंगा। शुक्रिया, और मेरे ब्लॉग के साथ बने रहें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें मेरा चैनल पवन रासल ब्लॉग।